नगर निगम प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। शास्त्री वार्ड निवासी। नगर निगम बुरहानपुर द्वारा सुविधाओं के नाम पर चाहे नाली सुविधा हो, चाहे ड्रेनेज लाइन सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, साथ ही अमृत जल योजना सुविधा के नाम पर अनेकों बार बुरहानपुर शहर को जगह जगह खोद कर बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्री वार्ड में फव्वारा चौक, शनि मंदिर रोड, कुल्फी कारखाने में पानी के पाइपलाइन के गड्ढे खोदे गए हैं। गड्ढे खोदते वक्त जब मोहल्ला वासियों ने पूछा कि काम होते ही क्या आप यह ब्लॉक लगाकर दुरुस्त कर जाएंगे, तो कहा कि हाँ बिल्कुल, पाइपलाइन डलने के बाद आपकी गली दुरुस्त हो जाएगी, किंतु लगभग 15 दिन हो गए हैं। इस 15 दिनों के अंतराल में अंतर्गत नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को 2 बार मोबाइल से वार्तालाप द्वारा अवगत कराया गया। साथ ही वार्ड पार्षद द्वारा भी नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई और इससे बड़ी बात है सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसका पंजीयन क्रमांक 1554062 है और यह शिकायत भी 7 अक्टूबर 2021 को की गई है, किंतु आज दिनांक तक किसी भी विभाग ने सुध लेने की जहमत नहीं उठाई है और शायद कोई जीएम से विभाग द्वारा यह कार्य किया गया है, उसने तो आकर पलट कर देखने की कोशिश भी नहीं की, जबकि उसके पाइप के टुकड़े और एक बड़ा पाइप गली में पड़ा है। आने जाने में गड्ढे परेशान कर रहे हैं और दूसरा यह पाइप गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। शायद जिला प्रशासन बुरहानपुर के महत्वपूर्ण विभाग नगर निगम ने यह कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। बुरहानपुर कहां कहां खुदा पड़ा है और इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? शायद नगर निगम किसी की मौत का इंतजार कर रहा है। मोहल्ला निवासी अभी तो सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। 2 दिनों के अंतर्गत अगर यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो मोहल्ला निवासी के साथ साथ बुरहानपुर निवासी अगला कदम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। NTV टाइम न्यूज चैनल के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से राजेश राखुंडे की रिपोर्ट।